इधर आ पापा को। नो तेरी थले उतर एवरीबॉडी की हाल चाल चढ़दी कला चढ़दी कला ही होनी चाहिए आ आज ध्यान धाना धाना ए गुड बॉय। फाइनली आ ही गया अपने वापस जाने का दिन। दिल किसका करता है पंजाब छोड़ के या अपना घर छोड़ के या अपना देश छोड़ के जाने का, लेकिन पैर मार चल पैर मार दे डा दे। बहुत सारे काम मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ और बहुत सारे काम इसलिए बीच में छोड़ के, शायद ऊपर वाले की मर्जी होगी कि ये बंदा फिर ये डर रहा है मक्खी से। चल हप कर पैर मार दे पैर मार के चल। बहुत सारे काम बीच में छूट गए लेकिन कोई चक्कर नहीं, शायद ऊपर वाले ने इसलिए बीच में छुड़वाए कि शायद वापस आके दोबारा करने होंगे। और सबसे बड़ा मतलब कि प्रॉब्लम मेरे को ये लग रही है कि अरमान को मेरे को यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने टिकट ली है परसों। मम्मी नाराज़ है, मम्मी बोलती मैं साथ में जाना है। अभी दो टिकटें कहाँ से ले गए, कौन सी बस है? बस होती तो दो टिकटें ले लेते अभी। जहाज बोले सर फिर खड़े हो गए जाना पड़ेगा कनाडा तक। ठीक है चंगा मिलते हैं। उठो ना, देखा इसलिए मैं लेडीज लोग को एयरपोर्ट के ऊपर नहीं लेके जाता। मम्मी का हाल देखो क्या हो रहा है, देखो फोटो खींच लें का किसी का दिमाग ना इन्हें पापा लाभ दे फिर नहीं अपना देखो। अरे मम्मा को जा, मम्मा को पढ़ इन्हें पता लग गया ही। हाँ चल मैं कोको लगा देना, कोको लगा दे मम्मा ने कोकी लगा दे। गंदी काटती है मैं मां था कि मुझे आ रोना पिया इन्हें 15 दिन नु आए ने रोंदे ही बड़ा हुंदा यार। रे आई यार हमारे घर से एयरपोर्ट सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता ही है, 10-12 किलोमीटर होगा। कुकना वाला आ गया। हाँ कुकना वाला भाई, कुकना वाला इस पिंड का नाम है। लेकिन इस पिंड की एक स्टोरी है ना, एक बाहर से बंदा आया यूपी से कहीं, उसको ना बस स्टैंड के ऊपर से ना कुकना वाले गांव वाला था ना, उसके दिमाग से कुकना वाला निकल गया। कुकड़ तो आप जानते ही, पंजाबी में कुकड़ बोलते हैं, हिंदी में मुर्गा बोलते हैं इसको ना। वो ना बस स्टैंड के ऊपर आके पूछ रहा है, भाई मैंने मुर्गा गांव जाना है, मुर्गा गांव जाना है। जिस भी ड्राइवर से या कनेक्टर से पूछता है ना बस स्टैंड के ऊपर, वो बोलता है भाई यहाँ पे कोई मुर्गा गांव नहीं है। ये जितेंद्र वहां पे था, इसके दिमाग में यही बोलता है कहीं कुकड़ा वाला तो नहीं है। कहता हाँ वही कुकड़ा वाला, वही कुकड़ 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 जाएंगे, कुकड़ जाएंगे, कुकड़ गांव जाएंगे। आयो नाल तुम भी, हैं पापा को साथ में लेके जाते हैं। लेकिन ले मेरा बैग ही देखता चढ़दी कला हो गया, मैं सारा धो के लैके आंदा घरों बाबा। इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है। सारे बंदे आज ही चले आए, इन्होंने जाए उड़ाना भी तो वो भी आ गए, मैं जाऊँ अभी जाके मैं पानी पूरी चेक कर। ओके ओके बाबा। जब उधर से आते हैं ना, वो वाली लगेज वाली ट्रॉली उठानी बड़ी आसान होती है, जब इधर से जा रहे हैं ना ये वाली ट्रॉली उठानी बड़ी मुश्किल है भाई, दिमाग हिला हुआ है। चल ठीक है चेकिंग, फौजी खड़े हैं आगे चेकिंग कर रहे हैं। खिला ही दिता बैग फिर एयरपोर्ट पे। ऑल गुड मैम, थैंक यू। ये अच्छा तरीका है, एक हाथ फ्री हो जाता है इसकी वजह से। ये देखो अमृतसर से अपना चेक इन हो गया, अमृतसर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली अपनी वेट है। अगर मैं बस लेके जाता हूँ तो 18-19 घंटे बस वाला लेता है अमृतसर से दिल्ली के इन दिनों में, तो फ्लाइट जाएगी 1 घंटे में।
बसें आ गई भाई, यहाँ से बसों में जाना पड़ेगा। एक बैग तो आ गया, मेरे को शक हो रहा है कि मेरा बैग ही नहीं आएगा दूसरा, वो मेरा लगता है, इतनी टेपें मैं ही बांध के लेके आया हूँ। जैसे ही प्लेन हवा में गया मैंने बस ही ली, प्लेन नीचे भी उतार दिया उसने। 45 मिनट की फ्लाइट थी अमृतसर से दिल्ली, लेकिन मेरे को बैग उठाने पड़े अपने, अभी मेरे को यहाँ से पिकअप लेके जाना है टर्मिनल 3 के ऊपर, जो 20 मिनट लगेंगे यहाँ से। आ जाएंगे तीनों, एक आगे रखूँ, नहीं आएगा तीसरा वैसे भी यहाँ पे, मैं आगे बैठूंगा यार, तू इधर रख दे इसको। टर्मिनल 1 से बाहर निकल के भाई टैक्सी लेनी पड़ी 900 में, 3 पे जाने के लिए। वैसे यहाँ से बस भी जाती है लेकिन मालूम नहीं कहाँ से जाती है, कहाँ से जाती है वैसे भैया? वो आगे से जाती है, पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पे ना ये काम चल रहा है ये वाला, तो इसके लिए टैक्सी मेरे को सही लगी, टेंशन फ्री होके जा रहे हैं। दोनों टिकटें अलग अलग लेने के चक्कर में ये सब हो जाता है। अमृतसर से दिल्ली की अलग थी और दिल्ली से कनाडा की अलग थी। गेट ही बंद करके चले गए, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार ही हुआ है भाई। मैंने कभी ऐसे अलग अलग फ्लाइटें नहीं पकड़ी। अभी मेरी फ्लाइट में तकरीबन रात को 2 बजे, पहले 11 बजे थी जो दिल्ली से कनाडा जाएगी, लेकिन वो डिले हो गई, दिल्ली से सीधा टोरंटो की है। एमरजेंसी पता क्यों निकलना पड़ा है, वो आपको मैंने ये वाली वीडियो के बाद में, जब मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा ना सीधा काम, वो वाले काम के ऊपर पहुँच के ही मैंने आपको बताना है कि मैं क्यों इतनी एमरजेंसी निकल के आया हूँ। नहीं तो मेरा 1 महीना और रुकने का प्लान था। लाइन में सबसे पहला नंबर लगाया, जैसे बैग जमा हो गए, भूख लगी हुई, अंदर जाए कुछ खाएंगे, एनर्जी डाउन हो रही है क्योंकि वापस जा रहे हैं ना इसलिए। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में आप लाइनें देख रहे हैं ना, आपके भाई ने सारी लाइन काट के पहला नंबर लगाया और पहले नंबर के ऊपर बैग चेक हो गए, क्योंकि आगे वाले भाई ने पहचान लिया और उसने बड़ी अच्छी सर्विस दे दी। कभी कभी फ़ायदा हो जाता है आपके भाई को इन चीज़ों का, प्रायोरिटी में बैग चेक हो गए। रात को 2 बजे फ्लाइट है, टाइम हुआ अभी 6 बजे का, तो आराम से 8 घंटे बिस्तरा ओढ़ के सोना ही है, बस मैंने जगह ढूंढनी अभी सोने के लिए। इतना सामान अकेला आपके भाई का ही होता है, ये देखो दिमाग का दही हो जाता है, इतनी सारी चीज़ों का चेक इन करवाना, भाई सारा खिलार दिया। कर लो भाई महंगी महंगी चीज़ों के दर्शन। ड्यूटी फ्री होता है हर जगह में, ये पैट्रॉन है। लेकिन मैं कुछ नहीं लेने वाला, यहाँ से सीधा निकलेंगे। क्या चेप कड़े हुए हैं भाई दिल्ली एयरपोर्ट के, वाह वाह वाह, देख के मज़ा आ रहा है। हर तरफ देखो क्या इश्क ही इश्क है, वो ऊपर की दुकानें देखो वो वाली। यहाँ पे तो बंदा 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया भी लेके आएगा ना, वो भी कम पड़ जाएगा, लेकिन अपने को लगी है भूख, जो कि 2-400 में अपना आसान हो जाएगा काम। जो घर से निकला मैंने तो पानी भी नहीं पिया बाद में, वो वाला लेवल नहीं होता कि बंदे का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है भूख से, मेरा वो वाला लेवल हुआ पड़ा है, मेरे ना लिप्स सूखे हुए हैं, पानी मांग रहे हैं पानी। एयरपोर्ट के ऊपर लॉन्जेस होती हैं, जिसमें लॉन्च में हम बैठ के वेट कर लेते हैं। आज मैंने पहली बार लॉन्च में चेक इन किया, देखने के लिए यहाँ क्या हिसाब का है, लेकिन यहाँ पे तो दुनिया ही और है भाई, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया रहती है। इस तरह में फूड लगा हुआ है, फूड पूरा फ्री है, जितना मर्जी खाओ, और ये सामने बार है। घंटों के हिसाब से लॉन्च होती है, उसके पैसे आपको चार्ज पड़ते हैं। अगर आपके पास में बिजनेस क्लास होती है तो आपको फ्री है, लेकिन अगर आपके पास में बिजनेस क्लास नहीं है तो फिर आपको इसके पैसे घंटे के हिसाब से देने पड़ते हैं। मेरी मैक्रोनी रेडी हो रही है। And what is this thing? अभी दही खाएंगे साथ में और फिर लास्ट पे खाएंगे आइसक्रीम और फिर चले जाएंगे। जो आने वाले हैं वो कितने खुश हैं जैसे मैं खुश था, लेकिन अभी मेरी हालात देखो कैसी हुई पड़ी है। दिल कर रहा है वापस घर चला जाऊं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, अगर आपका टाइम ज़्यादा है तो लॉन्च लेके रुको, बड़ा मज़ा आता है। मेरे को दिल्ली के गेट भी दूर दूर लग रहे हैं, 3 से 14 तक जाने के लिए 11 मिनट लगेंगे भाई। नहीं शूट, ये जितने प्राणी आपको दिख रहे हैं सारे मेरी फ्लैट के बंदे ही हैं, इधर भी बस अभी सीट मिलनी चाहिए जहाज में, क्यों पाजी? आदी। कहीं खड़े होके ना जाना पड़े, इतनी लंबी फ्लैट है, 17 घंटे की है टोटल, 16 घंटे 45 मिनट। ये बंदे की वेट हो रही थी भाई पिछले 2 घंटे से, अभी आया जाके इशारा देने के लिए।
क्या पता कौन से देश की ऊपर से हम जा रहे हैं और वहां पे मैंने अपना मुंह धोया है। आहा यहाँ पे अपना नंबर कब आएगा, ये बिजनेस क्लास है। जैसे फ्लाइटों वाले अनाउंसमेंट करते हैं ना, एक अनाउंसमेंट ये भी होनी चाहिए, देवी और सज्जनों कृपया अपनी कुर्सी की पेटी खोलें और फ्लाइट से बाहर निकल जाएं क्योंकि आपकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है टोरंटो में। उस तो पहले कोई नहीं है कि इतना टाइम की करें कभी कभी बात करने से मसला हल हो जाता है। मेरी फ़्लाइट लैंड करनी थी यहाँ पे 5:20 सुबह, लेकिन फ़्लाइट होगी लेट, फ़्लाइट पहुँची 9:00, तो मेरी जो आगे वाली फ़्लाइट थी वो थी 8:15 पे और मैं उससे भी लेट हो गया। तो उन्होंने मेरे को फ्लाइट दे दी, मेरे को मेल आ गई थी ऑलरेडी, लेकिन मेल में जो मेरी फ़्लाइट थी ना विनीपेग की, वो रात को शाम को 5:00 यहाँ से मॉन्ट्रियल से आगे, तो बड़ा लफड़ा हो रहा था। पहले मेरे को इमिग्रेशन कराना, तो यहाँ पर ना वीडियो अलाउड नहीं है, कैमरे की वजह से भाई बड़ी तंगी आती है हर बार। मेरे बैग खोल के देखते हैं तो भी उसी चक्कर में मेरी 9:25 की फ़्लाइट है, बोर्डिंग शुरू हो गई और 9:30 हो गए अभी, तो भाग भाग के जा रहा हूँ कि फ़्लाइट मिल जाए, नहीं तो फिर 10-12 और टोरंटो वाले एयरपोर्ट के ऊपर बैठना पड़ेगा। अभी 31 गेट है, वो कौन सा पास है, अगर आपके पास में कैनेडियन पासपोर्ट या पीआर कार्ड है ना, तो इमिग्रेशन 5 में हो जाती है। इमिग्रेशन में कोई टाइम लगता है, अभी आपने काउंटर देखा जहाँ मैंने बोला वीडियो नहीं बना सकते, वो वाला इमिग्रेशन वाला ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बस पर्ची निकालो वहाँ जाके अंदर दे दो, उनकी मर्जी है। और कैमरे के अंदर कोई ड्रग वगैरह ना हो इसलिए कैमरे को भी सुईसाइड मार के चेक करते हैं। देवी और सज्जनों आपका कनाडा में स्वागत है, लेकिन टोरंटो में आके विनीपेग वालों को इतनी फील नहीं आती क्योंकि जब हम विनीपेग में उतरेंगे ना, वहाँ की ठंड का मंजर कुछ और ही होगा। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, बस मेरा जहाज मिल जाए। अपना D31 सीधा है, चलने वाली मशीन के ऊपर भी भाग भाग के जाना पड़ रहा है। ले ये तो पास में ही था D31 फेरा पड़ गया, अभी आगे से घूम के आना पड़ेगा। ऐसा क्लोए पहु 10 होना, मैं माड़ा सुसु करावा, पानी नहीं आ रहा इसमें, कमजोर हो गई टूटियाँ। मिनिम पैक की ठंड भाई आपके भाई को आवाज़ें मार रही हैं, बोलता आ जाओ जल्दी, नहीं तो शाम को जाना था। यहाँ पे -5-4 है, वहाँ पे पूरी आतंक मचाई हुई ठंड ने, यहाँ पे तो तगड़ा जाम लगा हुआ है। ओके सत श्री अकाल, तेरी बर्फा फिनी पैक आके मेरे को सामान बाय करना पड़ रहा है। देखो आया आया आया, सारे रास्ते में भाई मेरे को पेस्ट नहीं मिली, विनी पैक आके पेस्ट मिल गई। थैंक यू जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। बैगेज क्लेम, चल खुल जा सिम सिम। जितने भी विनी पैक को बंदे आते हैं ना, उन सारों के बैग यहाँ पे आते हैं। ये एक दो बेल्टें हैं नीचे, 2-3 लोगों के घर वाले लोगों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं लेने वाला आया होगा क्योंकि अभी फिर अकेले आए हैं। टैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा अपने को, लेकिन जैसे विनीपेग से बाहर निकलेंगे ना, -18 और फील लाइक -24 का एहसास होगा अपने को, क्योंकि ये अभी अपना शहर आ गया, तो आँखें आ गई ना ऐसे खुल जाएगी ठंड से। वहाँ पर बैठ के वेट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी फ्लाइट लेट है, तो मैं यहाँ से पूछ के जाता हूँ बैग आएंगे इस फ्लाइट में नहीं। ये कार अंदर ही लेके आ गए यार, मैंने इसको बोला था बाहर पार्किंग में लगा के आना, तो फाइनली अपने बैग मिल गए भाई। इसी फ्लाइट में आ गए, मैंने अंदर से पूछा, बोले इसी फ्लाइट में यहाँ पे मिल जाएंगे इसी बेल्ट के ऊपर, तो अपना काम खत्म हो गया। लेकिन बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है अभी, वो देखो आगे से बंदे जो आ रहे हैं ना, उनकी ड्रेसें देखना कैसे रेडी हुए पड़े हैं, जैकेटें जूटें डाल के, बिकॉज दिस इज़ विनिंग बैग। यहाँ पर ना बंदे टैक्सी की वेट भी अंदर रह के करते हैं, बाहर जाके नहीं करते क्योंकि बाहर ठंड बहुत होती है। चलो सर जी, ठंड तो पता लग गया, विनीपेग आ गए हैं। देख लो मेरे को याद है इसका स्टेशन दूसरी तरफ हो गया, अभी मैंने इस तरफ बैठना है आगे। एक बार अंदर बार सारा ठंडा हो गया भाई। चलो सर जी, के साथ में बैठे हुए ना पाजी लाहौर से, तो अपने बिल्कुल नेबर गवंडी हो गए अपने, मैं वाघा बॉर्डर वाली साइड से, ये दूसरी साइड से, और ये यहाँ पे टैक्सी का काम करते हैं। सबके मुँह से गाड़ियों के अंदर से सबसे धुएं निकल रहे हैं, देखो मालूम पड़ गया कि विनीपेग में लैंड हो गया आप। चाबी ले, चाबी दे पहला, तमला जी लगा ही।
दो दो टी शर्ट कदों आना शामी ये सुबह काम पे आ गया चाबी साथ में ही लेके आया पहुंच गए भाई बर्फों के शहर मिनी पैक ना कोई बंदा क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही मेरे कान जो है लाल हो रहे पूरे लेकिन फिलहाल बैग अंदर रख लेते हैं पहले इससे पहले कि मैं फ्रीज हो जाऊं पंजाब से आए नए नए जब पंजाब से आते ना अपने आप को बचाना पड़ता है हवा से इतनी ठंडी हवा है और ये देखो स्नो अपने घर के बाहर ज़्यादा है नहीं वैसे जितनी हर साल होती है ना उतनी स्नो है नहीं थोड़ी है इस बार स्नो इतनी पड़ी नहीं वेलकम टू विंटर वंडरलैंड विंटर पैक लाइटें जगाओ और सबसे पहले जो काम मैंने करना है ना वो है शुक्र है आपका शुक्र है आपको याद होगा अगर आपने वोगड़ा व्लॉग नहीं देखा तो एक बार पीछे जाके देखो जब मैं यहाँ से वापस गया था ना इंडिया यहाँ पे माथा टेक के अरदास करके गया था कि बाबा जी सारा कुछ सही सलामत रहे देखो कितनी चढ़ती कला में रहा अपना सारा सफर इंडिया का इंडिया से वापस यहाँ तक ये मामूली बातें नहीं होती आप हजारों किलोमीटर सफर करके दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हो 11,500-600 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से टोरंटो वहां से 500 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से अमृतसर 1600 किलोमीटर ये पड़ता है बाय फ्लाइट वैसे ट्रक से जाते हैं तो 2200 किलोमीटर पड़ता है टोरंटो 13,500 किलोमीटर मैंने हवा में सफर किया ये सब इनकी कृपा ही होती है ऊपर वाले की कृपा होती है जिसको भी आप मानते हो हम इनको मानते हैं चढ़ती कला भाई जी शुक्राने अभी मेरी आवाज निकली देखा अभी ये पैसे अपने काम नहीं आएंगे ये बस ऐसे रख देने हमने इंडिया वाले और अपनी सिम जो है ना इसमें से निकाल के कनाडा वाली अभी ये नए मोबाइल में डाल लेंगे और देखते हैं भाई कब अपने को यहाँ पे दिहाड़ियाँ मिलती हैं अपनी वापस करने के लिए तो फिर निकलेंगे काम के ऊपर आपका भाई फिर से एक बार विंटर पैक में विनी पैक में वापस आ गया लेकिन इस बार स्नो उतनी है नहीं जितनी स्नो हर बार होती है तो इस बार गर्मियों में अगर स्नो नहीं पड़ी होगी ये वाले महीने में या आगे वाले महीने में तो आगे गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और जाने के टाइम में एक अपडेट मैं आपको देता हूँ कि मनदीप और अरमान को मैं क्यों नहीं लेके आया मेरे को वहां से इमरजेंसी निकलना पड़ा इंडिया से मैंने परसों रात को टिकट ली है टिकट भी मैंने नॉर्मल से $1,000 ज्यादा महंगी ली है लेकिन कोई चक्कर नहीं बहुत सारे कामों में से ऐसे काम होते हैं जो हम कैमरे के ऊपर नहीं बताते लेकिन ये वाला जो इमरजेंसी काम है ना अगर मैं वो वाला काम करता हूँ तो डेफिनेटली आपको कैमरे के ऊपर मालूम पड़ेगा और आपका सीना चौड़ा हो जाएगा जैसे आपके भाई का होगा क्योंकि आप मेरे को भाई बोलते हो तो अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरा सीना चौड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे को मालूम है कि एक परिवार बन जाता है तो आपका सीना भी चौड़ा होगा बस एक चीज की माफी चाहता हूँ कि मैं लोगों को मीटअप नहीं रख सका क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी मीटअप रखूंगा यार दूर दूर से बंदा अब बंदे आना चाहेंगे रास्ते में कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए यार फिर सारी उम्र ये बात हो जाएगी कि यार उस बंदे को मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन एक ना थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी जैसे आज व्लॉग ये वाला है आज रात को ये वाला व्लॉग आ जाए ऐसा कुछ सिस्टम करना पड़ेगा तब जाके अपनी एक जो बॉन्डिंग है ना परिवार की चकास वाली बनेगी लाइक कर दो अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा है घर छोड़ने आसान नहीं होते चाहे ये वाला भी अपना ही घर है यहाँ पे भी अपना परिवार है मनदीप ने भी आ जाना चलो अरमान भी आ जाएगा लेकिन भाई एक बार पंजाब को छोड़ के आना मेरे से पूछ के देखो अच्छा ऐसा कमेंट कर देना आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं मेरा पिज्जा बर्फ च रख के गया हुए मैंने एक पिद्दू से पिज्जा मंगाया क्योंकि आकाश ने आना रात को 10 बजे तो मैं अकेला ही घर पे तो एक पिज्जा खा के आराम से सोते हैं ये देखो वाह 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 कनाडा का पहला पिज्जा वापसी के बाद दो दुकानों से दाल लेके आए भाई अभी हम सारे छड़े छांट वाला हिसाब हो गया हमारे पास में कोई फैमिली है नहीं अभी गुलाब जामुन भी आ गए इधर हमने कड़ी लेके आए आकाश लेके आया ये दाल और रोटियां मैं और हनी लेके आए कड़ी और दाल कड़ी स्वाद होगी काश काश ने लै नहीं आ रहे पूरे 2 महीने ना मनदीप सुन ला पूरे नहीं आ रहे लैन तेरी सारी वो इज्जत खराब होगी हूँ comfortable, yeah. We could be chilling on the sofa.